ओए, पीछे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं मैम साहब, हम तो बस ये आपका फोन देख रहे थे। वैसे कौन सा फोन है ये? हम सोच रहे थे कि ऐसा ही फोन ना अपने बेटे को भी दिला दें। ये आईफोन है, आईफोन। इसे ना आईफोन कहते हैं, और ये तुम जैसे लोगों के औकात से बहुत बाहर की चीज है। दिन रात मेहनत करके कैब चलाओगे ना तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगे कि एक आईफोन खरीद लो, समझे? ये हम जैसे अमीरों की चीज है, तुम जैसे गरीबों की नहीं। मैम साहब, लेकिन हम तो ले लेंगे, क्योंकि हमने ना अपने बेटे को वादा किया है कि हम उसे ना ऐसा ही फोन दिला के देंगे। ठीक है, जरूर लेके देना, पर उसके लिए तुझे ये कैब बेचनी पड़ेगी। अबे कैसी बातें कर रही हैं? हम ये कैब को नहीं बेचेंगे, ये हमारी रोजी रोटी है, हम इससे पैसे कमाते हैं, हमारा घर चलता है इससे। तो फिर एक काम करना, तू ना अपनी किडनी बेच दे। एक किडनी के बदले में ना इतने पैसे मिल जाते हैं कि तू एक आईफोन तो खरीद ही लेगा। चुपचाप ना कैब चला, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आया बड़ा आईफोन लेने वाला, पहले अमीर हो जा, फिर सपने देखना आईफोन के। Your account has been credited with 1 crore rupees. तो पागल वागल लेके क्या किया ये तूने? अरे मैम साहब, पागल नहीं, अरे 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 हम अमीर हो गए हैं। हम तो आज बहुत अमीर हो गए। अरे इतने सारे पैसे। अबे क्या बकवास कर रहा, चुप कर। अरे मैम साहब, हम अमीर हो गए हैं, अमीर। हमारे अकाउंट में 1 crore रुपए आ गया। कैसे? इस ड्राइवर के अकाउंट में तो सचमुच 1 crore रुपए आ गए। मम्मी, जिस तरीके के इसके हालात है ना, लगता तो नहीं कि किसी रिश्तेदार ने भेजे होंगे। पक्का गलती से किसी ने इसके अकाउंट में सेंड कर दिए पैसे। क्या गलती से? वाह बेटा, तेरे तो मजे हो गए, तू तो सचमुच अमीर हो गया। अब तू चाहे तो अभी के अभी आईफोन खरीद सकता है। आह मम्मी, मैंने सुना किसी के अकाउंट में इतने सारे पैसे आ जाए ना तो सरकार उस पर फ्रॉड का केस डाल के जेल भेज देती है। हाँ हाँ बेटा, अगर किसी के अकाउंट में 1000 रुपया भी ना हो और अचानक से उसके अकाउंट में 1 crore रुपया आ जाए तो सरकार की तो नजर उस पर जाएगी ना, तो फिर पुलिस तो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। बेचारा, पैसे भी गए हाथ से और ये कैब ड्राइवर अब जेल की हवा खाएगा। नहीं नहीं, हम जेल नहीं जाना चाहते। तो फिर एक काम कर, हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले। जो पैसे तेरे पास आया ना, 50-50 कर ले, हम तुझे इस मुसीबत से आराम से बचा लेंगे। क्या? देख, हम माँ बेटी का ना एक बैंक मैनेजर बहुत अच्छे से नोन है, वो तुम्हारी इस 1 crore की ट्रांजेक्शन को ना इजीली छुपा देगा, इस ट्रांजेक्शन को ना टुकड़ों में दिखा देगा। थोड़े पैसे लेगा वो, बाकी के पैसे हम आपस में बांट लेंगे। सोच, तू ऐसा एक नहीं बल्कि 10-10 आईफोन खरीद सकता है और सारा दिन बैठ के आराम कर सकता है। तुझे मेहनत करके एक कैब चलाने की कोई जरूरत नहीं है, इतने पैसे होंगे तेरे पास। सोच क्या रहा है, जल्दी बोलना। नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अरे पागल हो गया क्या? भगवान तेरी मदद कर रहा है, तुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, तुझे अमीर होने का मौका दे रहा है और तू ना कर रहा है। सब भले ही हमारे अकाउंट में इतने सारे पैसे आ गए हो और एक पल के लिए हम खुश भी हो गए थे, लेकिन ये हमारे पैसे नहीं है, ये गलती से हमारे अकाउंट में आए हैं। और वैसे भी हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि कभी भी हराम की कमाई को रखना नहीं चाहिए, उससे हमारी जिंदगी भी हराम हो जाती है। इसलिए जिसके भी पैसे होंगे ना, हम पता करवा के उसे वापस लौटा देंगे। बस इसी वजह से, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना, तुम जैसे गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहते हो जिंदगी में। मैम साहब, हम जैसे गरीब लोग ना इसीलिए गरीब नहीं रहते कि हम चोरियां नहीं करते, बल्कि इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि हम आप जैसे अमीर लोगों से ना ज्यादा ईमानदार होते हैं, समझिए आप। और ये फोन और ये गाड़ी तो हम अपनी मेहनत से भी कमा सकते हैं, अपनी मेहनत से भी ले सकते हैं। और रही बात पैसों की, मेम साहब हमें तो पता है ये जो अकाउंट में हमारे इतने सारे पैसे आए ना, अगर ऐसे ही किसी के अकाउंट में इतने सारे पैसे आ जाए तो हमें हमारे बैंक में जाना चाहिए और बैंक में जाके उन्हें बताना चाहिए कि हमारे अकाउंट में गलती से किसी ने पैसे डाल दिए हैं, ये हमारे नहीं है। उसके बाद सारी प्रक्रिया बैंक वालों की होती है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। वाह बेटा, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुझे इतनी भी नॉलेज हो सकती है, इतनी जानकारी भी हो सकती है। यही तो दिक्कत है मेम साहब, आप जैसे अमीर लोगों की, आप जैसे अमीर लोग ना बिना सोचे समझे हम जैसे गरीब लोगों को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सुना देते हैं। खैर, तुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें जहाँ जाना है वहाँ ड्रॉप कर दे, उसके बाद तुझे जहाँ जाना है तो अपना काम कर दे। दोस्तों,
आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग बेईमान हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि ईमानदारी ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में ईमानदारी को कायम रखना चाहिए। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया।